आज का दिन हमें 83 साल पहले उस अजीम शान दिन की याद दिलाता है जब हमारे कौमी रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शायर मशरिक़ नामा इकबाल के ख्वाब को अमली जहाँ पे नहने की बुनियाद रखी। किसी भी आज़ाद जिंदा कौम की तारीख के पस मंजर का जायजा लें तो कोई लम्हा या जज्बा ऐसा होता है जो उनके ख्याल को हकीकत का रूप धारने पर मजबूर कर देता है और वही लम्हा इस कौम की तारीख के उकार को पलट देता है। ये बात है उस वक्त की जब जुल्म की चक्की में पिस रहे थे और कांग्रेस की बेजान जातियों ने साबित कर दिया था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। इनकी नजरियात इतिहाद और रस्म व रिवाज एक दूसरे से अलग अलग हैं। हिंदू कौम नस्ल-ए-राष्ट्र है। उन्होंने अपनी मकारियों से मुसलमानों को कांग्रेस के जाल में फंसा रखा था, लेकिन जब मुसलमानों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक अलग मुल्क की जरूरत महसूस की जहां मुसलमान आजाद कौम की हैसियत से जिंदगी गुजार सके, तो मुसलमान हिंद ने पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करने लगे और तमाम मुसलमानों ने मुतहद होकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जेर क़यादत एक अलग वतन का मुतालबा किया। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में मुसलमानों का 18 मार्च का नारे से अल्लाह तेईस मार्च 1940 का